अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज मैं आ गया हूं आप लोगों के पास फिर से एक और स्मार्टफोन की ओपिनियन देने। फिर से गाइज उसी स्टूडियो में, उसी टेबल के सामने, उसी कुर्सी पे बैठ के, उसी ब्लू स्नोबॉल माइक के सामने, उसी लैपटॉप के सामने, उसी स्मार्टफोन का रिव्यू करने जिसका नाम है गाइज सैमसंग गैलेक्सी M31s। वैसे कोई रिव्यू नहीं है, यह एक ओपिनियन है और मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा ऑनेस्ट बन सकूँ उतना बनूँ। तो ये जो सैमसंग गैलेक्सी M31s है, ये बिल्कुल वैसा ही फ़ोन है जैसा पुराने फ़ोन इनके आते थे, लेकिन इस बार प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो प्राइसिंग बढ़ाई गई है तो कुछ फीचर्स भी बढ़ाए गए हैं, लेकिन कुछ फीचर्स बढ़ाए गए हैं तो प्राइसिंग भी बढ़ाई गई है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि अच्छी है, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बुरी है और क्या आपको बाय करना चाहिए या नहीं। लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वरना पैसे से इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को मिस कर जाइएगा। तो गाइस देखिए, ये जो स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी M31s, यह एक अपग्रेड है सैमसंग गैलेक्सी M31 या फिर M30s के ऊपर। अब यह एक अपग्रेड तो है, बट जाहिर सी बात है गाइस पैसे तो बढ़ाए ही जाएंगे, बट इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है कि भाई जो 15,000 या 14,000 के आसपास फ़ोन आता था वो अभी 20,000 और 23,000 रुपए लेकर के चले गए हैं, यानी कि अचानक से बिल्कुल ही ऊपर बढ़ा दिया है। तो यह एक तरह का गाइस मेक इन इंडिया या फिर मेड इन इंडिया के ऊपर जो है ये सेंटीमेंट के ऊपर ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं कि यहाँ पर चाइनीज़ का बॉयकॉट हो रहा है तो हम क्यों ना ओवर प्राइस फ़ोन बनाएं, ताकि इंडियन लोग जो जिनका सेंटीमेंट हाई है वो लोग तो इसी फ़ोन को बाई करेंगे कि भाई सैमसंग है, मेड इन इंडिया है। तो शायद यही चीज़ उनके दिमाग में चल रही है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कैश लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक और रीज़न हो सकता है, वो है गाइज लॉकडाउन का इफेक्ट। बहुत ज़्यादा जो है लॉकडाउन में प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं हर चीज़ के, तो ये भी रीज़न हो सकता है। तो इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा रेंट नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी एक बहुत ही बड़ा उछाल है गाइज, बहुत ही बड़ा प्राइस गैप है दो स्मार्टफोन्स के बीच में। लेकिन अगर हम लोग बात कर ले गाइज कि इसमें हमें क्या कुछ चीज़ें हैं जो कि अच्छी और बुरी मिल जाती हैं, तो सबसे पहले जो इसका डिस्प्ले है गाइज, वो गजब का डिस्प्ले आपको यहाँ पे दिया गया है। तो 6.5 इंचेस का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले है। इन्फिनिटी ओ से आप समझ सकते हैं कि यह एक पंच होल वाला डिस्प्ले है, जो कि स्क्रीन के सेंटर में छोटा सा पंच होल दिया गया, जो कि पता भी नहीं चलता है कि वहाँ पर कोई होल है और उसी में आपको कैमरा मिल जाता है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर मिलता है। अब सुपर एमोलेड मिलता है, लेकिन गाइस 60 हर्ट्ज का ही मिलता है, तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा जो इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो वगैरह के बारे में कहा गया कि डिस्प्ले काफ़ी खूबसूरत है, तो मानता हूँ गाइस, क्योंकि सैमसंग के जो डिस्प्लेज होते हैं वो वन ऑफ दी बेस्ट होते हैं। तो सुपर एमोलेड होते हुए, फुल एचडी के रेजोल्यूशन होते हुए, 20:9 के रेशियो होते हुए, कमाल का देखने में आपको यहाँ पर लगेगा। लेकिन अगर डिस्प्ले के बाद हम लोग देखें तो इसमें कोई भी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है। आपको एमोलेड होते हुए इन्होंने जो है शिफ्ट कर गए हैं साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर पे। तो ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, क्योंकि गाइस पुराने जो गैलेक्सी एम सीरीज़ के फ़ोन थे उसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हमें देखने को मिला था, या गैलेक्सी ए सीरीज़ वाले डिवाइसेस में। नेक्स्ट चीज़ अगर बात कर ले गाइस, तो इसमें आ जाता है प्रोसेसर की बात में, और यहाँ पर एक चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा लैग करता है, और वही है गाइस इसका प्रोसेसर। एक्साइनस 9611 का प्रोसेसर दे दिया गया है। वैसे तो कहने में गाइस ये 2.3 गीगाहर्ट्ज़ तक जाता है, लेकिन काफ़ी ओल्ड प्रोसेसर है और इस 2.3 गीगाहर्ट्ज़ को अचीव करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाता है, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक मिड रेंज से भी नीचे का प्रोसेसर, या फिर आप बजट प्रोसेसर आप इसे कह सकते हैं, जो कि इसी डिवाइस में लगाया गया है। और यही प्रोसेसर गाइस पुराने सैमसंग गैलेक्सी M30 के सीरीज़ में भी आपको मिल जाता था। इसका जो GPU है गाइस माली G72 MP3, ये भी एक गाइस काफ़ी लो क्वालिटी का GPU है, कोई कमाल का GPU नहीं है। बट गाइस ओवरऑल अगर इसमें स्नैपड्रैगन 730 भी दे देते तो बहुत अच्छा होता। वैसे 730 तो सैमसंग वालों के लिए काफ़ी हाई हो जाएगा, स्नैपड्रैगन 710 भी दे देते, 712 भी दे देते ना, तो ये इस प्रोसेसर से काफ़ी अच्छा होता, बट ये प्रोसेसर सच में एक बकवास है। अब गाइस अगर हम लोग बात कर ले आगे, तो यहाँ पे रैम वेरिएंट और ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो यहाँ पे 6GB और 8GB का रैम मिल जाता है, जो कि ओवरकिल है इस प्रोसेसर के हिसाब से, और आपको 128GB का स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन उसके बाद आपको मिलता है गाइस यहाँ पे कैमराज, और ये जो कैमराज है जहाँ पे सैमसंग ने काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया है। तो 64 MP का सोनी IMX632 सेंसर मिल जाता है, जो कि कमाल की बात है, काफ़ी ज़बरदस्त बात है। 64 MP का सोनी का सेंसर दे रहे हैं अपने गैलेक्सी एम सीरीज़ में, लेकिन साथ ही साथ जो वाइड एंगल लेंस मिलता है वो भी कोई गिमिक नहीं है, आपको 12 MP का वाइड एंगल लेंस इन्होंने दे दिया, जो कि ज़बरदस्त बात है। यहाँ पे गाइस जो इसका मैक्रो लेंस मिलता है वो 5 MP का दे दिया, तो ये भी किसी भी तरह का गिमिक यहाँ पर नहीं है। और जो चौथा कैमरा है वो कौन सा है, एक सेकेंड, चौथा कैमरा है क्या, गैलेक्सी M31s फोर्थ कैमरा कौन सा है,
जी अगर जो चौथा कैमरा वो एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जो कि यहाँ पे मैं वेबसाइट पे देख के बहुत देर के बाद सर्च करके बता रहा हूँ। मतलब यार आजकल इन्फॉर्मेशन ढूंढना भी कितना ज़्यादा मुश्किल है ये बात है। कैमरा में तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इम्प्रूव किया है, लेकिन अगेन गाइस वही बात आ जाती है कि जहाँ पे कैमरा इतना तगड़ा है वहाँ पे प्रोसेसर तगड़ा नहीं है। तो 64 मेगापिक्सल का कैमरा होते हुए अगर आप 1080p में 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग ना कर पाओ तो कैसा लगेगा ये बताओ। तो इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि 1080p 60fps सपोर्टेड है भी या नहीं भी, ये मुझे नहीं पता गाइज। होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो बहुत बुरी बात है। तो गाइज कैमरा की बातें हो गई, हटाओ यार जो भी चीज़ें हैं। लेकिन अगर बात कर ली यहाँ पे बैटरी के बारे में, तो 6000 mAh की बैटरी यहाँ पे मिल जाती है, जो कि कमाल की बात है यार। 6000 mAh की बैटरी, 6000 mAh की बैटरी, और ऊपर से इन्होंने 25W का चार्जर इन द बॉक्स भी दिया है, तो ये भी ज़बरदस्त बात है। तो कम से कम सैमसंग जो है वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, तो 18 से 20 वाट से अब 25 वाट पे आ चुका है, तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। तो बैटरी के मामले में कमाल है। उसके बाद आपको मिलता है इस डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट, जो कि 2 SIM के साथ आता है, जो कि कमाल की बात है। हेडफोन जैक मिल जाता है, USB Type-C आपको मिल जाता है, सिंगल मोनो स्पीकर मिल जाता है, और सभी चीज़ें आपको मिल जाती है जो भी ज़रूरत है। लेकिन जो बॉडी है गाइज वो आपको प्लास्टिक का मिलता है बैक में, और जो फ्रंट है वो सिर्फ और सिर्फ गोरिल्ला ग्लास 3 यहाँ पे दिया गया है। तो जी हाँ, बहुत सारे कॉर्नर्स कट किए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें में जो है कमियाँ की गई हैं। तो किन के लिए है ये स्मार्टफोन, सिंपल वर्ड में अगर मैं अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ, तो जो कैमरा एंथुसियास्ट है उनके लिए स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी है, बट प्लीज़ वीडियो रिकॉर्डिंग एंथुसियास्ट शायद इससे दूर रहे, बिकॉज मुझे नहीं पता 60fps है भी या नहीं है, 4K में स्टेबलाइजेशन है भी या नहीं है, प्रोसेसर हैंडल कर पाएगा भी या नहीं कर पाएगा, ये सब मुझे नहीं पता। तो एक्चुअली गाइज ये जो डिवाइस है हार्डकोर सैमसंग लवर्स के लिए है। 20 से 23 हज़ार रुपये आप फूकना चाहते हो तो फूक सकते हो, नो इश्यूज़। लेकिन इस डिवाइस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मैं कह दूं कि यार एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब चलो ठीक है, बैटरी बहुत कमाल की है। देखो इसका डिस्प्ले बहुत ज़बरदस्त है, इसका बैटरी बहुत ज़बरदस्त है, इसका कैमरा बहुत ज़बरदस्त है। तो डिस्प्ले, कैमरा एंड बैटरी के लिए आप बिल्कुल इसके साथ जा सकते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे घटिया है गोरिल्ला ग्लास 3 प्लस प्लास्टिक बैक। बट जहाँ भी बात आती है इस प्रोसेसर की, वो भी एकदम से यहाँ पे घटिया है। हाँ, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा काम कर सकता है UI 2.1 और Android 10, बट अगेन यार प्रोसेसर क्या दिया यार प्रोसेसर इन्होंने इस प्राइस रेंज में। अब देखो भाई, मैं जानता हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे सैमसंग के फैंस आएंगे और कहेंगे तुझे 20,000 रुपये में आईफोन 11 प्रो मैक्स दे दूँ, तुझे 20,000 रुपये में सब कुछ चाहिए, तुझे 20,000 रुपये में क्या मैं सोना हीरा मोती लगा के दे दूँ, तुझे 20,000 रुपये में क्या गधे की दुम पे बिठा दूँ। अरे भैया मेरी सांस लो यार, आज से 1 साल पहले आया था Redmi K30, उसमें भी हर चीज़ मिल जाता है। इसमें तो पंच होल है, उसमें पंच होल भी नहीं मिलता है Redmi K30 में, पूरा फुल स्क्रीन सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। कहाँ गए थे तब, पॉपअप कैमरा मिलता है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, हाँ कहाँ थे, उसमें तो टेलीफोटो लेंस भी मिलता है। तब तो आपने ओवर प्राइस कहा था, उसमें तो वाइड एंगल लेंस भी मिलता है, 48 मेगापिक्सल ही मिलता है, लेकिन काफ़ी है। ग्लास की बॉडी मिलती है Gorilla Glass 5 की, कहाँ थे तब भाई साहब। चलो ठीक है, तुम कहोगे कि Redmi K20 पुराना हो गया, तो भैया Poco X2 को किल करके दिखा दो, चलो Realme 6 Pro को किल करके दिखा दो, चलो Redmi Note 9 Pro को किल करके दिखा दो, चलो 13,000 वाला Poco M2 Pro को किल करो ना इस स्मार्टफोन से, करो भाई। बस डिस्प्ले के मामले में किल करने से कुछ नहीं होता यार, प्रोसेसिंग पावर भी देना पड़ता है यहाँ पे। प्रोसेसिंग पावर के बिना आपका जब फोन लैग करना शुरू करेगा ना, रोके बैठ गए मेरा फोन लैग कर रहा है, कैसा सैमसंग वालों ने बनाया, मेरा फोन लैग कर रहा है भाई, बहुत लैग कर रहा है भाई, बहुत लैग कर रहा है भाई, ठीक कर दो कोई। ओके, बाय बाय।